ये क्या क्या आपको प्रशिक्षण मिला भाई, क्या क्या आप लोग मैंने प्रशिक्षण जो मिला, आप लोग सर्टिफिकेट वितरण होने वाला है, जो कि कारण से सर्टिफिकेट आपका नहीं आएगा, ये आज या कल में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या मैंने क्या प्रशिक्षण आपको मिला है, बायोमेट्रिक डाटा एंट्री है। अच्छा, डाटा एंट्री के बारे में हम लोग सीखे हैं। अच्छा, और बाकी सब कंप्यूटर का नॉलेज हम लोग को जानकारी, बहुत सारी जानकारी हम लोग को अलग से भी मिली है इसी प्रशिक्षण में। कार्यक्रम करा रहे सीएससी के अंतर्गत में क्या है पूरा? ये है जैसे इन लोग का जो डिजिटल लोग है, इन लोग को प्रशिक्षण दे के उसके बाद सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये उसके तहत रोजगार मेला लगा हुआ है जिसमें 9 आदमी का चयन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों 9 लोग को रोजगार सीएससी के द्वारा दिया जाएगा और बाकी जो बच रहे हैं उनको भी ये रोजगार दिया जाएगा। और एक चीज इन लोग से बोलना चाहेंगे कि अपने सीएससी के द्वारा उन लोग को हम लोग सीएससी आईडी भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे ये लोग अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करेगा, लोग खुद का अपना सीएससी आईडी करके काम करेगा, फिर वो ये लोग उन लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और काम करवाएंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत जगह पे ऐसे भी सुनने में आता है कि पैसे लिया जाता है रोजगार देने के लिए, और खास करके जो बच्चे हैं पैसे भी देते हैं रोजगार पाने के लिए, तो क्या आप लोग भी पैसे लेन देन की बात? नहीं नहीं नहीं, पैसा लेन देन तो पैसा इन लोग से भी आप पूछ सकते हैं कि पैसा वैसा कुछ वैसा नहीं लगता है इसमें। हम ऑलरेडी इन लोग को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट करवाते हैं, उसके बाद हम लोग उन लोग को जॉब वगैरह में नाम देके, बहुत सारी कंपनियां हैं टाइप से, उससे हम लोग इनको जॉब कैथी रखते हैं, जॉब करवाते हैं। पूरा परिचय अपना? मेरा अरविंद कुमार द्विवेदी, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भोजपुर। कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे थे? जी, हमारा ट्रेनिंग तो 27 अगस्त से स्टार्ट था और 29 दिसंबर को लास्ट हुआ था कोर्स खत्म। अच्छा, तो इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए क्या आपको कहीं फी लगता है, कैसे पता? नहीं नहीं, फी नहीं लगता है, ये हमारे पास कॉल आया था। कहाँ से कॉल आया? यहीं से, इस ऑफिस से कॉल गया था। अच्छा सर, कि दिव्यांग को हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, शायद हम आए यहाँ पे तो हमको पता चला ऐसा ऐसा डोमेस्टिक बायोमेट्रिक डाटा एंट्री के बारे में बताया गया, कंप्यूटर का नॉलेज जिसको नहीं है उनको दिया जाए। तो क्या क्या मांग रहे थे, जैसे एडमिशन के लिए यहाँ पे फी मांग रहे थे, एडमिशन के लिए कागज मांग रहे थे, क्या बोल रहे? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट। किस चीज का सर्टिफिकेट?